नमस्कार मैं डॉक्टर सरिता चौधरी आज आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूं आज हम बात करेंगे एजुकेशनल रिसर्च पैराडाइम के अंतर्गत पॉजिटिविज़्म की यानी कि विधेयवाद की, की। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं कि पैराडाइम क्या होता है किस तरह से फिलोसॉफिकल एजम्शंस के अंतर्गत पैराडाइम की उत्पत्ति होती है तो आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल पैराडाइम के अंतर्गत पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज़्म की इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड बनाना जरूरी है बीसवीं शताब्दी के अंत के दौरान कुछ दशकों तक ये जो पैराडाइम वार है ये बहुत तेजी से फैला प्रत्येक पैराडाइम के सपोर्टर अपने अपने पैराडाइम के सपोर्ट में उतर आए और वो अपने अपने पैराडाइम की सुपीरियरिटी पर तर्क वितर्क करने लगे कि भाई हमारा पैराडाइम ज़्यादा अच्छा है या हमारा पैराडाइम ज्यादा अच्छा है लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के बाद ये पैराडाइम वार पैराडाइम डायलॉग में चेंज हो गया कहने का अर्थ यह है कि पैराडाइम डायलॉग में चेंज होने पर प्रत्येक साइंटिफिक कम्युनिटी जो किसी एक पर्टिकुलर पैराडाइम पर आश्रित थी या उसको सपोर्ट कर रही थी उन्होंने ये माना कि भाई प्रत्येक पैराडाइम की अपनी एक अलग डिस्टिंक्ट पहचान है ना तो कोई सुपीरियर है ना कोई इन्फीरियर है प्रत्येक पैराडाइम एक अलग तरीके से एक डिस्टिंक्ट या कहिए यूनिक नॉलेज को प्रतिपादित करता है तो ये तो रही एक बात कि पैराडाइम वार जो है ये बहुत पहले से चला आ रहा था और धीरे धीरे जो है अपने नए नए जो पैराडाइम आते गए और अपने अपने आप को अस्तित्व में लेते हुए चले गए तो इस तरह से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल पैराडाइम के अंतर्गत पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज़्म यानी कि विधेयवाद और उत्तर विधेयवाद की देखिए जैसे ही हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो पॉजिटिविज्म की बात करते हैं कि अनायास ऑगस्ट कॉम्टे नामक फिलोसोफर का जो नाम है वो हमारे दिमाग में आ जाता है क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे नामक फिलोसोफर ने दार्शनिक ने इस टर्म को प्रतिपादित किया था या कहिए कॉइन किया था इन्हों है ना तो ऑगस्ट कॉम्टे ने पॉजिटिविज्म को प्रतिपादित किया ये एक ऐसा ट्रेडिशनल पैराडाइम है जो कि वेल नोन है और वेल स्टैब्लिश्ड है इसका प्रयोग वर्ल्ड वाइड दुनिया भर की सभी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च इंक्वायरी के लिए किया जाता है और यदि देखें तो पर्टिकुलरली इसका प्रयोग नेचुरल साइंसेज में फिजिकल साइंसेज में और कहीं कुछ सीमा तक सोशल साइंसेज में भी यूज़ इसका किया जाता है अब बात करते हैं पॉजिटिविज्म की फिलोसॉफिकल एजम्पन्स पर जो कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि भाई प्रत्येक पैराडाइम की अपनी अपनी एक फिलोसॉफिकल एजम्पन्स होती हैं है ना ऑन्टोलॉजी के बारे में वो क्या कहता है पिस्टमोलॉजी उसकी क्या है और एग्जियोलॉजी उसकी क्या है तो यहां पर पहले इसका एक जो जनरल नोशन है उस पर बात कर लेते हैं कि भाई सामान्य अवधारणा क्या है एक सामान्य विचार क्या है पॉजिटिविज्म का तो पॉजिटिविज्म ये कहता है कि साइंस इज द ओनली फाउंडेशन ऑफ ट्रू नॉलेज विज्ञान ही एकमात्र सत्य ज्ञान की कसौटी है या सत्य ज्ञान का आधार है इन्होंने कहा कि जिस तरह से नेचुरल साइंस में साइंटिफिक मेथड के द्वारा वास्तविकता या सत्य या ज्ञान तक पहुँचा जा सकता है उसी तरह से सोशल वर्ल्ड में यानी कि ह्यूमन वर्ल्ड के अंतर्गत भी साइंटिफिक मेथड का प्रयोग करके हम सत्य या ज्ञान तक पहुँच सकते हैं ये एक सामान्य विचारधारा है अब इसको हम लेकर के चलेंगे यदि फिलोसफिकल एजम्पन्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा कैसे अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं पॉजिटिविज्म के फिलोसॉफिकल एजम्पन्स के अंतर्गत जो ऑन्टोलॉजी है वो क्या है ऑन्टोलॉजी किससे डील करती है ऑन्टोलॉजी डील करती है द नेचर ऑफ रियालिटी वन है या मल्टीपल है है ना तो पॉजिटिविज्म ये कहता है कि वास्तविकता या सत्य केवल एक है मीन्स रियालिटी इज वन देर इज अ सिंगल रियालिटी और वो कहाँ है रियालिटी इज आउट देयर रियलिटी सामने है रिसर्चर का कार्य केवल इतना है कि वो रियलिटी को डिस्कवर करे रियलिटी बनाने वाला वो नहीं है तो यदि हम इसको शब्दों में डिफाइन करना चाहे तो इसकी ऑन्टोलॉजी क्या कहती है इसकी ऑन्टोलॉजी है ऑब्जेक्टिविज्म ऑब्जेक्टिविज्म का मतलब क्या है सिंगल रियालिटी है और एक और इन्होंने बात कही थी कि सिंगल रियालिटी जो जो कि रिलेटिवली कॉन्स्टेंट है क्रॉस टाइम एंड सेटिंग्स है ना कि टाइम और सेटिंग्स को देखते हुए देखा जाए तो रिलेटिवली कांस्टेंट रहती है तो इसको जो है यदि हम फिलॉसफ़ी से थोड़ा सा जोड़ना चाहे तो इस व्यू को हम कहते हैं नाइव रियलिज्म नव यथार्थवाद है ना तो वैसे भी देखा जाए तो जो पॉजिटिविज्म है या विधेवाद है वो दर्शन के यथार्थवाद से प्रभावित है इन्फ्लुएंस्ड है क्योंकि यथार्थवाद हमारा क्या कहता है यदि हम फिलॉसफी पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं तो यथार्थवाद क्या कहता है यथार्थवाद ये कहता है कि जो कुछ हम इंद्रियों से अवलोकन करते हैं वही सत्य ज्ञान है वही यथार्थ है जो कुछ हमें दिख रहा है वही यथार्थ है है ना रियलिटी इज वॉट इज अवेलेबल टू अवर सेंसेस तो वही बात यहां पर लागू होती है इसीलिए पॉजिटिविज्म को रियलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड माना जाता है मतलब रियलिज्म नामक फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड माना जाता है तो यदि हम इसकी ऑन्टोलॉजी की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं ऑन्टोलॉजी का मतलब है ऑब्जेक्टिविज्म को फॉलो करता है ऑब्लिक रियलिज्म है ना ऑब्जेक्टिविज्म का क्या मतलब है कि देर इज अ सिंगल रियलिटी विच इज रिलेटिवली कॉन्स्टेंट अक्रॉस टाइम एंड सेटिंग उन्होंने कहा पॉजिटिविज्म जो पॉजिटिविस्टिक थे या जो पॉजिटिविज्म के समर्थक थे इन्होंने कहा कि जो रियालिटी है वो कैसी है मेजरेबल है है ना ऑब्जर्वेबल है और प्रडिक्टेबल है हम रियालिटी को देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको माप सकते हैं और प्रेजेंट रियालिटी के आधार पर भविष्य का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं पता लगा सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा है ना तभी तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से हम साइंटिफिक मेथड का उपयोग नेचुरल वर्ल्ड में कर सकते हैं उसी तरह से साइंटिफिक मेथड का जो उपयोग है वो सोशल वर्ल्ड या कहिए ह्यूमन वर्ल्ड में किया जा सकता है अब आगे चलते हैं ऑन्टोलॉजी की बात हमने कर ली अब आते हैं पॉजिटिविज्म की अपिस्टमोलोलॉजी पे पॉजिटिविज्म की अपिस्टमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा जो कि किससे डील करती है ज्ञान से कि ज्ञान के स्रोत क्या है ज्ञान को प्राप्त करने का साधन क्या है वॉट आर द वेज ऑफ नोइंग तो यहां पर पॉजिटिविज्म कहता है कि एम्पेरिसिज्म इज द मैथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज वट इज एम्पेरिसिज्म अनुभववाद एम्पेरिसिज्म जैसे ही आपके मन में आता है तो सिर्फ आपको इसको दो शब्दों में याद रखने की जरूरत है पहला है ऑब्जर्वेशन और दूसरा है एक्सपेरिमेंट अर्थात वह ज्ञान जिसे हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा और एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा प्राप्त करें मतलब ऑब्जर्व करें और साथ ही साथ एक्सपेरिमेंटेशन द्वारा उसको वेरीफाई करें उसकी पुष्टि करें वही सत्य ज्ञान है तो पहली बात इन्होंने कही कि ओंटोलॉजी क्या है कि भाई ज्ञान एक है एपिस्टेमोलॉजी क्या है जो ज्ञान एक है उसको प्राप्त करने का तरीका क्या है साइंटिफिक मैथड है और ऑब्जर्वेशन है तो ये जो है विधेवाद की एपिस्टेमोलॉजी है यानी कि ज्ञान मीमांसा है ओके okay? अब बात करते हैं इसकी मूल्यमीमांसा पर मूल्यमीमांसा किससे डील करती है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मूल्यमीमांसा का मतलब है कि जो ज्ञान है क्या वो वैल्यू लेडन है या वैल्यू फ्री है मतलब व्यक्ति के आदर्शों का मूल्यों का विश्वासों का उसके इंटरेस्ट का उसके एटीट्यूड का ज्ञान पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता नहीं पड़ता क्यों नहीं पढ़ता क्योंकि इसकी ऑन्टोलॉजी क्या कह रही है इसकी ऑन्टोलॉजी कह रही है कि ज्ञान एक है एंड वो क्या है ह्यूमन कॉन्शियसनेस से परे है वो आउट देयर है वो बाहर है मन के अंदर नहीं है हमारे दिमाग के अंदर नहीं है इसीलिए तो इसकी एक्जियोलॉजी क्या होगी इसकी एक्जियोलॉजी ये कहती है कि जो ज्ञान है या सत्य है वो कैसा है वैल्यू फ्री है मूल्यों से फ्री है है ना रिसर्चर के इंटरेस्ट का एटीट्यूड का उसके बायसेस का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ऐसा पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम के अंतर्गत जो साइंटिस्ट uh, हैं या जो रिसर्चर्स हैं उनका ये मानना है तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको कि पॉजिटिविज्म जो है वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हुआ है फिलोसॉफिकल एजम्शंस के आधार पर अब हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की देखिए आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे कुछ रिसर्च आर्टिकल देखेंगे पढ़ेंगे तो उसमें जो है पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को ऑब्लिक करके एक ही पैराडाइम के तौर पर दिखाया जाता है वो इसलिए दिखाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो पॉजिटिविज़्म है और पोस्ट पॉजिटिविज़्म है यानी कि विधेयवाद और उत्तर विधेवाद में ज़्यादा अंतर नहीं है पोस्ट पॉजिटिविज्म को पॉजिटिविज्म की माइल्ड फॉर्म के रूप में देखा जा सकता है मतलब एक लेस स्ट्रिक्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म और माइल्डर फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म इज़ कॉल्ड पोस्ट पॉजिटिविज्म जैसे इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है ना कि जैसे आ, मम्मी पापा हैं पेरेंट हैं दोनों आ, लेकिन पापा ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं मम्मी भी स्ट्रिक्ट होती हैं लेकिन उनसे थोड़ा सा कम स्ट्रिक्ट होती है तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं है दोनों एक ही पेरेंट है है ना दोनों का उद्देश्य समान है और दोनों सत्य या ज्ञान को प्राप्त करने के साइंटिफिक मेथड को ही फॉलो करते हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है क्या अंतर है अब हम इसको देखते हैं बीसवीं शताब्दी के मध्य में जो पैराडाइम शिफ्ट है वो देखने को मिला बीसवीं शताब्दी के मध्य में मतलब स्टार्टिंग में बीसवीं शताब्दी के मध्य से पहले पहले प्रारंभ में जो है पॉजिटिविज्म का बहुत बोलबाला था लेकिन बीसवीं शताब्दी के मध्य में एक पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला मतलब यहाँ पर क्या है पॉजिटिविज़्म जो है वो पोस्ट पॉजिटिविज़्म में शिफ्ट हो गया जो हमारे भौतिक शास्त्री जिनका नाम है वर्नर हिजनबर्ग और नील्स ने पॉजिटिविज्म के जो डॉगमेटिक व्यूज़ हैं उनमें कुछ संशोधन किया डॉगमेटिक व्यूज़ का मतलब है कि जो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली ये कह रहे हैं ना कि भाई रियलिटी एक ही है उसको हम पूरी तरह से पता लगा सकते हैं अप्रोच कर सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा कि कोई भी रिसर्चर कोई भी साइंटिस्ट चाहे कितनी भी निष्ठापूर्वक साइंटिफिक मैथड द्वारा रियालिटी को प्राप्त करने की कोशिश करे लेकिन वह कभी भी एप्सोल्यूट ट्रुथ या एप्सोल्यूट सर्टेनिटी को प्राप्त नहीं कर सकता तो अब देखिए थोड़ा कंपैरिजन करेंगे तो हमको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है उन्होंने ये कहा कि जो रियलिटी है वो अप्रोचेबल तो है एक्सेसिबल है लेकिन हम एब्सोल्यूट रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते मतलब ऑब्जेक्टिविटी नहीं है उसमें कि भाई सर्टेनिटी नहीं निश्चितता नहीं है कि वो पूरी तरह हम उस तक पहुँच पाएंगे हम पा सकते हैं लेकिन ऐसा कन्फर्म नहीं है कहीं पर भी कहीं पे भी कंफर्म नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे इसका मतलब क्या है अप्रोचेबल है है ना लेकिन निश्चित नहीं है ऑब्जेक्टिव नहीं है कुछ हद तक काफ़ी हद तक बहुत हद तक हम रियलिटी तक पहुंच सकते हैं एक और अंतर है जिसको हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो पॉजिटिविज्म है विधेवाद कैसे देखिए जब ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो ही अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है एक ही है दोनों लेकिन थोड़ा सा अंतर है पॉजिटिविज्म के अंतर्गत थ्योरी वेरिफिकेशन पर बल दिया जाता है और पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर थ्योरी फ़ाल्सिफिकेशन पर जोर दिया जाता है मतलब क्या है थ्योरी वेरिफिकेशन का मतलब है कि थ्योरी जनरेट कर ली है ना बस उसको एक बार वेरीफाई करना है कि ये कन्फर्म्ड है मतलब वहाँ पर सोचिए कि कन्फर्म है बस उसकी पुष्टि करनी है वेरीफाई करना है लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज़्म है वो थ्योरी फ़ाल्सिफिकेशन पर जोर देने का मतलब क्या है थ्योरी फ़ाल्सिफिकेशन का जो कंसेप्ट है वो काल पॉपर की द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी में बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है उन्होंने कहा है ना थ्योरी ऑफ फालसिफिकेशन क्या है कि वही सिद्धांत वही थ्योरी सत्य के ज़्यादा करीब होती है सत्य के उतने ज़्यादा नज़दीक होती है जिसके अंदर स्वयं को फॉल्सिफाई करने की क्षमता होती है जितनी किसी थ्योरी या किसी सिद्धांत के अंदर अपने आप को झूठा साबित करने की क्षमता होती है वह थ्योरी या सिद्धांत उतना ही सत्य माना जाता है तो कहने का मतलब बहुत क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म थ्योरी वेरिफिकेशन नहीं है कि बस वेरीफाई करना है कन्फर्म है पहले से बस उसको देखना है कि हाँ कन्फर्म करना कि भाई कन्फर्म हो गई या हो गई या नहीं हुई है ना ये कह रहा है कि थ्योरी के अंदर या उस सिद्धांत के अंदर फालसिफाई होने का गुण भी होना चाहिए तो इससे हम सीधा नॉलेज से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि भाई जो नॉलेज या सत्य है उसको केवल कन्फर्म नहीं है वो फॉल्सिफाई भी हो सकता है कुछ चेंज भी हो सकता है सत्य है ना तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं पॉजिटिविज़्म जो विधेवाद था उसका एक और नाम है लॉजिकल पॉजिटिविज़्म इसी तरह से पोस्ट पॉजिटिविज़्म उसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं लॉजिकल एम्पिरिसिज्म है ना जैसे पॉजिटिविज्म रियलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड था रियलिज्म नामक फिलोसफी से इन्फ्लुएंस्ड था उसी तरह से पोस्ट पॉजिटिविज़्म क्रिटिकल रियलिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है दोनों में बहुत सिंपल वो रियलिज्म है वो कह रहा है कि जो इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने प्रदर्शित है वही सत्य है लेकिन यहाँ पर कौन सी फिलोसफी से ये प्रभावित है क्रिटिकल रियलिज्म से इसका मतलब कुछ क्रिटिक है रियलिज्म का मतलब क्या है ये कह रहा है कि जो आप अवलोकन करके पा सकते हैं लेकिन क्रिटिकल क्रिटिकल मतलब कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिविटी और सर्टेन ट्रुथ तक हम नहीं पहुंच सकते मतलब जो ज्ञान है ये जो सत्य है वो सर्टेन नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि रिसर्चर के बायसेस का है ना उसके कुछ प्री कंसीव्ड नोशन का ट्रुथ पर रियलिटी पर प्रभाव पड़ता है इसीलिए पोस्ट पॉजिटिविज़्म ये कहता है कि रियलिटी अप्रोचेबल है लेकिन कन्फर्म्ड नहीं है तो इस तरह से हम कंपैरिजन करके इसको समझेंगे तो जिस तरह से अभी हमने पॉजिटिविज्म की जो फिलोसफिकल एजम्शंस है उसको डिस्कस किया इसी तरह से अब इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा अंतर है ज़्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं है तो यदि हम इसको डिस्कस करें कि पोस्ट पॉजिटिविज्म की ऑन्टोलॉजी क्या है तो पोस्ट पॉजिटिविज्म की ऑन्टोलॉजी है क्रिटिकल रियलिज्म कि जो अवलोकन हम कर रहे हैं जो हमारे सेंसेस परसीव कर रहे हैं वो सत्य तो है लेकिन क्रिटिकल रियलिज्म मतलब हम उस तक पूरी तरह से नहीं पहुंच सकते ठीक है तो ये उसकी हो गई ऑन्टोलॉजी यदि हम एपिस्टमोलॉजी पर चले तो एपिस्टमोलॉजी दोनों की सेम है उसकी एंपेरिसिज्म थी इसकी भी एंपेरिसिज्म है मतलब जो ज्ञान है या जो सत्य है जिस पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उस तक पहुंचने का रास्ता सेम ही है वो भी कहते हैं साइंटिफिक मेथड द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान पोस्ट पॉजिटिविस्ट भी कहते हैं कि भाई वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है फिर आता है एक्जिलॉजी मूल्यमीमांसा इसकी मूल्यमीमांसा क्या है यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है पॉजिटिविज्म थोड़ा सा एक जो है कट्टर विचारधारा है कि भाई वैल्यू फ्री है जो रियलिटी है जो ह्यूमन वैल्यूज असमशन का कोई फर्क रियलिटी पर नॉलेज पर नहीं पड़ता लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है कैसे है ये कह रहे हैं कि जो थियरीज हैं जो पहले से बनी हुई हाइपोथेसिस हैं या जो रिसर्चर के बायसेस हैं उनका रियलिटी के निर्माण पर या रियलिटी की खोज पर या रियलिटी के डिस्कवरी पर प्रभाव पड़ता है अब इन दोनों में थोड़ी सी विभिन्नता होते हुए भी ये सेम क्यों है सेम इसलिए हैं कि यदि हम अब इसको रिसर्च से जोड़ कर देखते हैं तो दोनों ही जो पैराडाइम हैं वो कौन सी मेथडोलॉजी को क्रिएट करते हैं वो मैथडोलॉजी को क्रिएट करते हैं आपके क्वांटिटेटिव मैथडोलॉजी याद कीजिए कि जो हमने पहले वाला लेक्चर जो डिस्कस किया था हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि ऑन्टोलॉजी अपिस्टमोलॉजी और एग्जीलॉजी मिलकर के क्या बनाते हैं मैथडोलॉजी बनाते हैं तो दोनों की ऑन्टोलॉजी अपिस्टोमोलॉजी और एक्जिओलॉजी सेम है ऑलमोस्ट सेम है थोड़ा सा अंतर है लेकिन फिर भी ये कौन सी मैथडोलॉजी को डराइव करेंगे ये डराइव करेंगे क्वांटिटेटिव मैथडोलॉजी को लेकिन इसमें अब देखिए क्योंकि कुछ डिफरेंस है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रिसर्च डिजाइन में उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो पॉजिटिविज्म है यानी कि विधेवाद है उसके अंतर्गत कौन कौन से रिसर्च डिजाइन आ सकते हैं क्योंकि मैथडोलॉजी के नीचे क्या आया था डिजाँ. रिसर्च डिजाइन रिसर्च डिजाइन के नीचे क्या आया था इंस्ट्रूमेंट डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट तो मैथडोलॉजी तक तो हम पहुंच गए मैथडोलॉजी कौन सी निकाल रहे हैं पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में अंतर होगा थोड़ा सा कैसे होगा कि यहाँ पर क्वांटिटेटिव मैथडोलॉजी के अंदर जो हमारी प्योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की जाती है ना टू टू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का जो हम यूज़ करते हैं वो जितनी भी रिसर्चिज़ होती हैं वो आती हैं पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम के अंतर्गत पॉजिटिविज्म के अंतर्गत क्योंकि पॉजिटिविज़्म ये मानकर चलता है कि हम रियलिटी को पूरी तरह से जान सकते हैं साइंटिफिक मेथड के द्वारा और ह्यूमन वैल्यूज़ का कोई प्रभाव रियलिटी पर नहीं पड़ता इसलिए जो ट्रू एक्सपेरिमेंट्स हैं है ना जो जो नेचुरल साइंस में या फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंतर्गत जो किए जाते हैं उस पर जो है ये पॉजिटिविज़्म फॉलो होता है लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी में कौन कौन से रिसर्च डिज़ाइन आएंगे उसमें जो हम अपनी सोशल साइंस रिसर्च में यूज़ करते हैं कौन कौन से यूज़ करते हैं हम सर्वे यूज़ करते हैं तो सर्वे पोस्ट पॉजिटिविज्म मेथोडोलॉजी के रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत आएगा क्वाजी एक्सपेरिमेंटल आएगा क्यों आएगा क्योंकि आप देखिएगा जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में थोड़ी सी ढील होती है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की अपेक्षा है ना वहाँ पे रैंडमाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है और ऐसा मानकर चला जाता है कि जो ह्यूमन वर्ल्ड में है ह्यूमन वर्ल्ड में रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वी डोंट डील विद द ऑब्जेक्ट्स वी आर डीलिंग विद द ह्यूमन बींग्स है ना तो आप वहाँ पर रेंडमाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते है ना तो बात यहाँ पर यही आती है कि जो क्वांटिटेटिव मैथडोलॉजी है उसके अंतर्गत जो रिसर्च डिज़ाइन है जो कि पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंतर्गत आता है उसमें क्या आएंगे क्वाजी एक्सपेरिमेंटल कोरिलेशनल कॉजल कंपैरेटिव और सर्वे डिज़ाइन इस तरह से जो है ये जो इस तरह के डिज़ाइंस हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे पोस्ट पॉजिटिविज़्म या पॉजिटिविज्म है ना बहुत लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके नहीं चलते लेकिन हमें इन दोनों के बीच का अंतर समझना ज़रूरी है अब यदि इसके नीचे हम इंस्ट्रूमेंट की बात करें जब सारी बात करी तो इंस्ट्रूमेंट की बात भी कर लेते हैं अब जो पॉजिटिविज़्म है उसके अंतर्गत मैंने क्वांटिटेटिव में सिर्फ एक ही अप्रोच बताई जो कि कैसी है जो एक्सपेरिमेंट है ट्रू एक्सपेरिमेंट है वही पॉजिटिविज्म में फॉलो होता है तो यदि इसके अंदर डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये किस पर फोकस करेगा केवल ये केवल फोकस करेगा टेस्ट पर है ना टेस्ट पर और मेजरमेंट पर और ऑब्जर्वेशन पर भाई ऑब्जर्वेशन तो मेन बेस है ना पॉजिटिविज्म का और किसी भी तरह के रिसर्च को ऑब्जर्वेशन तो हम करते ही हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन के बिना कोई भी शोध कार्य हो ही नहीं सकता ठीक है लेकिन यदि पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत क्या होगा इसके अंतर्गत हमारे जो है इंस्ट्रूमेंट की यदि हम बात करें डेटा गैदरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होगा थोड़ी सी ढील दे दी जाएगी ढील कैसे दे दी जाएगी वहाँ पर क्या था टेस्ट था और मेजरमेंट कर रहे थे और ऑब्जर्वेशन कर रहे थे यहाँ पे क्या है ऑब्जर्वेशन होगा टेस्ट होगा और टेस्ट भी कर सकते हैं क्वेश्चन एयर यूज़ कर सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यूज़ कर सकते हैं है ना अब इन दोनों के कंपैरेटिव स्टडी को आ, करने के लिए या इस कंपैरेटिव जो हमने डिस्कशन किया है उसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी अंत में जैसे एक नदी के किनारे एक मछुआरा है फिशरमैन है यदि वो मछुआरा पॉजिटिविज्म को फॉलो करता है है ना और वो मछुआरा जानना चाहता है कि नदी के अंदर जो कुछ कोई खास स्पेशीज़ की फ़िश हैं उनकी सोशल रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहता है तो यदि इस उदाहरण को समझ जाएंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि यदि जो मछुआरा है वो पॉजिटिविज़म को फॉलो कर रहा है तो वो कैसे बिहेव करेगा एज अ रिसर्चर वो क्या करेगा वो अपने पैर तक को भी गीला नहीं होने देगा नदी में वो नदी के किनारे खड़े होकर केवल ऑब्जर्व करके जो है उस पर्टिकुलर स्पेशीज की फिश को दूर से ही ऑब्जर्व करके उनके सोशल बिहेवियर को स्टडी करेगा ऐसा कौन करेगा जो पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम को फॉलो कर रहा है वो मछुआरा या वो फिशरमैन अब यदि हम इसको पोस्ट पॉजिटिविज्म की तरफ जाए तो पोस्ट पॉजिटिविज़्म को फॉलो करने वाला मछुआरा वो क्या करेगा वो ये करेगा कि वो एक वेट सूट पहन लेगा ठीक है ना वेट सूट पहन के वो अंदर जाएगा ठीक है और अंदर जाकर ऑब्जर्वेशन तो कर ही रहा है वो अंदर जाकर एक रैंडम सैंपल लेकर के फिश का और उनसे जो है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कर लेगा मतलब उनसे जो है कुछ क्वेश्चंस बना के लाएगा कि भाई मुझे ये ये क्वेश्चंस जो है उनसे पूछने हैं और इस तरह से जो है वो उनके सोशल बिहेवियर की स्टडी करेगा तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिविज़्म और पोस्ट पॉजिटिविज़्म ऑलमोस्ट दोनों सेम हैं लेकिन सोशल साइंसिस में जो हम रिसर्च करते हैं उसके अंतर्गत हम पोस्ट पॉजिटिविज्म पैराडाइम को यूज़ करते हैं क्योंकि यदि पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो पॉजिटिविज़्म एक डॉगमेटिक व्यू ऑफ़ रियालिटी को शो करता है कि भाई रियालिटी एक है साइंटिफिक मैथड ऑब्जर्वेशन द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है और इस पर ह्यूमन वैल्यूज़ का आइडियाज़ का आइडियल्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन क्योंकि सोशल साइंसेज में हम ह्यूमंस को डील करते हैं व्यक्ति के विचार भावनाओं एटीट्यूड इंटरेस्ट से डील करते हैं तो यहाँ पर इसलिए पॉजिटिविज़्म की जगह एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ और पोस्ट पॉजिटिविज़्म पैराडाइम के अंतर्गत कुछ रिसर्चेज़ या कुछ रिसर्च डिज़ाइन को रखा गया जिसके अंतर्गत हम अपने शोध कार्य को पूर्ण करते हैं तो आज हमने डिस्कस किया विधेवाद क्या है उत्तर विधेवाद क्या है और दोनों की फिलोसॉफिकल एजम्पन्स में क्या अंतर है आगे के जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें अब हम न्यूअर पैराडाइम को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो दोनों थे ये ट्रेडिशनल पैराडाइम है जो सालों से चले आ रहे हैं और जितने भी नेचुरल साइंसेज में जितने भी रिसर्चेज होती हैं वो इसी पैराडाइम को मद्देनज़र रखते हुए की जाती हैं लेकिन अभी कुछ न्यूअर पैराडाइम भी आए हैं अभी नहीं कुछ सालों से आए हैं तो उसमें जो है आप देखिए कि जब गुणात्मक शोध जो करते हैं ये जो मिक्स्ड मेथड पैराडाइम या मिक्स्ड मेथड रिसर्च का जो चलन हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि हमने ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ नए पैराडाइम को भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है क्योंकि ये रिजल्ट था पैराडाइम डायलॉग का इसका मतलब ये है कि पैराडाइम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है सभी पैराडाइम इक्विवेलेंट हैं सभी पैराडाइम एक अलग तरीके से ज्ञान का सृजन करते हैं तो इस तरह से हम अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में कंस्ट्रक्टिविज़म पर चर्चा करेंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद